Hello students, in this video I will discuss Nernst equation. Nernst equation क्या होता है, Nernst equation क्या utilization है, उसका derivation क्या है, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे. अब तक जितना भी मैं आपको पढ़ाया हूँ previous videos में, सब में आपको standard electrode potential, standard EMF की बात हुई है. किसी electrode का standard electrode potential अगर पता है तो उस electrode से जो cell बनेगा उस cell का standard EMF आप calculate कर सकते हो. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मीनिंग आप समझते हो कि इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट यूनिट कंसेंट्रेशन में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन यूनिट हो, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर हो, प्रेशर 1 bar हो, उस कंडीशंस पे जो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हो वो स्टैंडर्ड कहलाता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी इलेक्ट्रोड का आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली स्टैंडर्ड कंडीशन पे ही होगा. आप किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, या अपार्ट फ्रॉम वन वोलारिटी दूसरे कंसंट्रेशन पे कैलकुलेट नहीं कर सकते हो. यू कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड एट एनी कंसंट्रेशन टेम्परेचर प्रेशर. तो इसके बारे में जो रिलेशन देता है उस इक्वेशन का नाम Nernst इक्वेशन. मीन्स Nernst इक्वेशन गिव्स द आइडिया रिलेशन बिटवीन ए स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड. Means with the help of Nernst equation we can calculate electrode potential of any electrode at any temperature and any concentration. Not only electrode potential, Nernst equation also gives the relation between a standard and non-standard EMF of the cell. That means with the help of Nernst equation we can write or calculate the EMF of the cell at any concentration and temperature pressure. Means Nernst equation हमारे उस सभी question का answer है जो EMF और electrode potential से related है. किसी भी temperature pressure पे, किसी भी condition पे, किसी भी electrode का electrode potential calculate करना है तो हम लोग Nernst equation का use करके कर सकते हैं. किसी भी condition पे, किसी भी temperature pressure पे अगर हमें किसी cell का EMF calculate करना है तो भी हम लोग Nernst equation से कर सकते हैं या करते ही हैं, उसी से करते हैं. तो हम लोग जा रहे हैं पढ़ने Nernst equation होता क्या है. मैं Nernst equation पहले एन इलेक्ट्रोड के लिखूंगा, मींस हाफ सेल रिएक्शन के लिए. इलेक्ट्रोड का जनरल रिएक्शन है, मींस इक्वेशन है Mn equals NeMs हाफ सेल रिएक्शन इलेक्ट्रोड रिएक्शन. अब जनरल फॉर्म Nernst equation का लिख रहा हूं, Emn equals oblique Ms, E naught Mn equals Ms minus RT by NF ln P by concentration of product by concentration of reactant. यह Nernst equation का general form है. इसमें कौन क्या है, यह है put electrode potential of an electrode at any concentration, means at any condition. Electrode potential at any concentration and temperature, at any concentration and temperature. ये क्या है जी, नॉट ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. यहां पे R है गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर, N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रिएक्शन, ln आप समझते हो नेचुरल लॉग, P कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये हुआ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ये Nernst equation का जनरल फॉर्म है. अब इस Nernst equation को मैं इलेक्ट्रोड के लिए अप्लाई कर रहा हूं, मीन्स इलेक्ट्रोड के लिखने जा रहा हूं. तो क्या होगा, Nernst equation for an electrode, for an electrode, Nernst equation for an electrode, जिसके half cell reaction लिखा हुआ तो put करो, Emn aqueous Ms is equal to E naught आप इसको ई नॉट डायरेक्ट लिख सकते हो, इतना सा लिखने की जरूरत नहीं है, बट अगर लिखते हो तो अच्छी बात है. माइनस आर टी
एन एफ ऐसे ही रह जाएगा, एल एन प्रोडक्ट की जगह पे क्या है, जी एम एस है, रिएक्टेंट की जगह पे क्या होगा, ये है। अब आप, तुमको पता है आप सबको कि सॉलिड का, प्योर सॉलिड का कंसेंट्रेशन वन होता है, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे अब ln 1 by concentration of Mn aqueous। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि concentration of pure solid is equal to 1। अब आप इसको उलट दोगे तो माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसको ऊपर कर सकते हो, तो अलग बात है। लेकिन ये हमारा हुआ Nernst equation for an electrode, electrode के लिए Nernst equation हुआ। अगर इस रूम टेम्परेचर पे इक्वेशन अगर निकालना चाहते हो, मीन्स Nernst इक्वेशन एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, तो क्या होगा जी, E नॉट Mn सारे सबका वैल्यू पुट करो 8.314 और ln को log में कन्वर्ट कर दो, तो ln को log में कन्वर्ट करेंगे, n तो n ही रह जाएगा, f का वैल्यू 96500, ln को log में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई होगा log 1 by mn aqueous। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.059 हो जाएगा बाई एन लॉग 1 बाई कंसेंट्रेशन ऑफ Mn aqueous। तो इस तरीका से इक्वेशन 3 लिखो। रूम टेम्परेचर पे आपने कैलकुलेट कर लिया इलेक्ट्रोड का ईएमएफ, इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसेंट्रेशन एनी टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ Nernst इक्वेशन। नाउ Nernst इक्वेशन फॉर EMF of the cell, तो देखो जी यह सेल रिएक्शन है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट सेल रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट। यहां पे ई सेल क्या हुआ, ई एम एफ ऑफ द सेल एंड दिस इज वॉट स्टैंडर्ड ई एम एफ ऑफ द सेल। ई एम एफ ऑफ द सेल का मीनिंग हुआ किसी भी टेम्परेचर, किसी भी प्रेशर, किसी भी कंसेंट्रेशन पे, एंड दिस इज स्टैंडर्ड ऑफ द सेल। इसको भी हम लोग रूम टेम्परेचर पे अगर निकालेंगे, एट रूम टेम्परेचर तो क्या होगा जी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, सब वैल्यू को पुट करेंगे उसी तरह से डायरेक्टली हो जाएगा, मैं लिख दे रहा हूं 0.059 बाई एन लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस तरीका से यह कि सेल का हो गया। अब आप चाहते हो कि डैनियल सेल का लिखे, Nernst इक्वेशन फॉर डैनियल सेल,
Nernst equation for Daniell cell. सेल का अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा डैनियल सेल का सेल रिएक्शन। आप राइट साइड में रहता है कॉपर इलेक्ट्रोड, लेफ्ट साइड में रहता है जिंक, मींस कॉपर का रिडक्शन होगा, मींस कॉपर टू प्लस एक्वस ZN, ZN टू प्लस में कन्वर्ट होगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन करेंगे कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका सेल रिएक्शन हुआ। तो लिख दो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन, यहां पर कितना है जी 2 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है यहां पर इन्वॉल्व, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो गया 2। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कौन है जी ZN2 प्लस इंटू कॉपर बाई कॉपर 2 प्लस एक्वस इंटू जिंक, फिर कॉपर और जिंक जो सॉलिड है उसका कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा, जानते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ZN2 प्लस एक्वस बाई कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस एक्वस। तो आप देख रहे हो ना ZN2 प्लस इसका प्रोडक्ट है, कॉपर 2 प्लस रिएक्टेंट है, ऐसे इस तरह फॉर्म में हो जाएगा। और आपको इनॉट सेल पता रहेगा, ZN2 प्लस का कॉपर 2 प्लस का कंसेंट्रेशन अगर पता है तो क्या निकल जाएगा, ई सेल निकल जाएगा। अब क्वेश्चन, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड इन 0.1 मोलारिटी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज 0.34 वोल्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से करेंगे, वी नो दैट ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस, देखो कुछ भी नहीं कहा जा रहा है तो हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन मानेंगे, मीन्स रूम टेम्परेचर मानेंगे, कुछ भी नहीं बोल रहा है तो फॉर्मूला हो जाएगा 0.059 बाई एन, एन का वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो आप देख लो इनका सेल रिएक्शन क्या होगा, सेल रिएक्शन हो कॉपर 2 प्लस एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर, यही हाफ सेल रिएक्शन होगा, तो एन का वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया, प्रोडक्ट के तौर पे ये तुम्हारा 1 बाई कॉपर 2 प्लस हो जाएगा, 2 लॉग 1 बाई कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस एक्वस। तो देखो जी 0.1 मोलारिटी कॉपर सल्फेट का, इसका मीनिंग हुआ जितना मोल कॉपर सल्फेट होगा उतना ही मोल कॉपर का 2 प्लस का भी कंसेंट्रेशन होगा, क्योंकि कॉपर 2 प्लस कॉपर सल्फेट इस तरह से ब्रेक होगा, कॉपर 2 प्लस एंड सल्फेट एन आयन, इसका 0.1 तो इसका भी 0.1, इसका भी 0.1 होगा, तो पुट करो ई जीरो पॉइंट 34 वोल्ट माइनस 0.059 बाई 2 लॉग 1 बाई 0.1, तो 10 हो जाएगा, लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा, मीन्स आएगा 0.34 माइनस 0.059 बाई 2, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ये तुम्हारा हो जाएगा 0.6, तो हो जाएगा 8.6 माइनस 0.059 बाई 2। अब आंसर जो होगा कर लेना, इस तरीका से आप आंसर कर सकते। क्वेश्चन हम लोग सेल पे लिए हुए हैं, सेल के रिप्रेजेंटेशन पे, जिसमें नर्स्ट इक्वेशन का भी इस्तेमाल होगा। देखो जी ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है तो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ही, बट यह क्वेश्चन एक पैटर्न है जिस पैटर्न पे जेई मेन और नीट भी अक्सर क्वेश्चन पूछते रहता है, तो आप ध्यान से देखो। क्वेश्चन इज सेइंग रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, मीन्स एक रिएक्शन यहां पे हो रहा है, दिस इज सेल रिएक्शन,
you have to represent this cell reaction. You have to represent cell of this cell reaction. ये जो सेल रिएक्शन हो रहा है इसके सेल को रिप्रेजेंट करना है. तो सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या देखना रहता है जी, लेफ्ट और राइट इलेक्ट्रोड. एंड लेफ्ट और राइट इलेक्ट्रोड कैसे डिसाइड होगा, तो मैं आपको बता रखा हूं कि राइट इलेक्ट्रोड कैथोड होता है जहां पर रिडक्शन होता है, लेफ्ट इलेक्ट्रोड एनोड होता है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है. तो आप इस रिएक्शन देखो किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. हियर सिल्वर, सिल्वर प्लस से कहां जा रहा है जी, सिल्वर में जा रहा है, मीन सिल्वर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. इट मीन्स सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है. मैग्नेशियम, मैग्नेशियम टू प्लस में जा रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मीन्स मैग्नेशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो क्लियर हो गया, सिल्वर विल बी राइट इलेक्ट्रोड एंड मैग्नेशियम विल बी लेफ्ट इलेक्ट्रोड. सो वी कैन रिप्रेजेंट दिस सेल, सेल रिप्रेजेंटेशन. सेल रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले लेफ्ट इलेक्ट्रोड मीन्स मैग्नेशियम इलेक्ट्रोड को, मीन्स रॉड को उसके सॉल्यूशन से सेपरेट करने के लिए एक वर्टिकल लाइन देते हैं. Mg2+ कंसेंट्रेशन 0.13 मोलारिटी आफ्टर सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिज इज रिप्रेजेंटेड बाय दो टू वर्टिकल लाइंस. इसके बाद राइट इलेक्ट्रोड को, राइट इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को राइट करेंगे. Ag+ का कंसेंट्रेशन कितना है 0.0001 मोलारिटी. फिर इस सॉल्यूशन को इसके रॉड से सेपरेट करेंगे, रॉड इज सिल्वर. देखो जी यहां पे टू लिखा हुआ, यहां पे टू लिखा हुआ, उसका कोई मतलब नहीं है. सेल रिप्रेजेंटेशन आपका इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी होता है जहां पे हम लोग उस रिएक्शन जो होता है, तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, तो बैलेंसिंग के लिए आपको करना पड़ेगा. जितना इलेक्ट्रॉन लूज हो उतना गेन हो. इसके लिए कोफिशियंट किसी का 1 हो सकता है, किसी का 2 हो सकता है, किसी का 2 हो सकता है, किसी का 3 हो सकता है, बट दिस कोफिशियंट्स हैव नो इफेक्ट ऑन सेल रिप्रेजेंटेशन. सेल रिप्रेजेंटेशन में आपको ओनली आइडेंटिफाई करना है कि राइट इलेक्ट्रोड कौन है, लेफ्ट इलेक्ट्रोड कौन है, फिर उसको आप पुट कर दो. अब सेल रिप्रेजेंटेशन के बाद अगला टास्क हमारा है कैलकुलेट ई सेल इफ ई नॉट सेल इज दिस. वी कैन कैलकुलेट ई सेल ऑफ एनी सेल विद द हेल्प ऑफ नॉट इक्वेशन. लेकिन वी नो दैट E cell is equal to E naught cell. और यहां पे कोई टेम्परेचर कुछ भी मेंशन नहीं है. When nothing is mentioned about temperature and other conditions, so we take a condition as standard. Standard condition सब कुछ लगे, means room temperature पे लेंगे. Standard condition नहीं, room temperature. So E cell is equal to E naught cell minus 0.059 by N log कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट. तो प्रोडक्ट यहां पे सिल्वर और इधर मैग्नेशियम सॉलिड है, सॉलिड का कंसेंट्रेशन 1 होगा, उसको हटा देंगे. तो इधर लिखेंगे हम लोग मैग्नेशियम टू कंसेंट्रेशन ऑफ मैग्नेशियम टू प्लस बाय कंसेंट्रेशन ऑफ Ag+. बट कंसेंट्रेशन राइटिंग में हम लोग कोफिशियंट को देखेंगे. सिल्वर Ag+ का कोफिशियंट 2 है, तो 2 पावर हो जाएगा. अब यहां पे n क्या है जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है जी, 2 है. देख लो मैग्नेशियम तुम्हारा 1 मैग्नेशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 1 मोल मैग्नेशियम 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. तो n का मोल यहां पे, मीन्स इलेक्ट्रॉन का मोल 2 है. E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल 3.17 माइनस 0.059 बाय n मीन्स 2 log मैग्नेशियम 2 प्लस का कंसेंट्रेशन है 0.130 बाई सिल्वर प्लस का है, डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, 10 टू द पावर माइनस 4 कर दे रहा हूं, या डायरेक्ट लिखो 0.0001 का होल स्क्वायर. इसको आगे सॉल्व करो, ई सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस 0.059 बाय 2 लॉग 10 टू द पावर माइनस तुम्हारा 4 है, इसे स्क्वायर करोगे तो 10 टू द पावर माइनस 8 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा यह
10 टू द पावर 8। अब 10 टू द पावर 8 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 13 हो जाएगा, 13 इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। इसको ऊपर ला करके आप सॉल्व करोगे तो फिर आप आंसर आ सकता है। इसको इजीली सॉल्व करके आप आंसर ला सकते हो। इसको सॉल्व करते हैं कैसे होता है। इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर जाते हैं तो आप देखो इस तरह से लॉग, अब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें तो 13 हो गया, 10 टू द पावर 6 हो गया। अब इसको लॉग ले लो। अगला स्टेप में इसको लॉग द लॉग एम इंटू एर का फॉर्मूला पे आ जाएगा तो लॉग 13 हो गया प्लस 10 का पावर 6 है तो 6 इंटू लॉग 10 हो जाएगा, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है तो प्लस 6 हो गया। अब इसको लॉग 13 का वैल्यू टेबल से देखकर लिखोगे तो 1.1139 आया। इसको सॉल्व करोगे तो ए पार्ट आ जाएगा 0.21 के प्रॉक्स, 3.17 से इसको माइनस करो तो आ जाएगा 2.96। तो इस तरीका से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। हालांकि कैलकुलेटिव है बट एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आता है और इंट्रेंस एग्जाम में भी आता है। हालांकि इंट्रेंस एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो डेटा इजियर रहता है जिसको आप इजीली हैंडल कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विच इज प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन विच पीएच इज 10। हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है एक ऐसे सोल्यूशन में जहां पे इस सोल्यूशन का पीएच 10 है। कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वेयर पीएच ऑफ सोल्यूशन इज 10। सोल्यूशन का पीएच 10 है उसमें निकालना है। तो देखो ये आपको पता है कि किसी भी कंसेंट्रेशन पे अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो आपको नर्ट्स इक्वेशन यूज करना होगा। लेकिन उससे पहले हम लोग और भी चीज देख लेते हैं। फॉर हाफ सेल रिएक्शन फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विल व्हाट 2H प्लस एक्वस साइन 2 इलेक्ट्रॉन प्लस H2 गैस। कोई बच्चा चाहे तो यहां पे 2H प्लस की जगह पे ओनली H प्लस ले सकता है और यहां पे हाफ H2 लिख सकते हो, वो भी करेक्ट होगा, एक ही आंसर आएगा। अब हमें पीएच दिया हुआ है यहां पे 10। हियर पीएच इज इक्वल टू 10। पीएच 10 का मतलब क्या हुआ? पीएच इज इक्वल टू होता है निगेटिव लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस। तो कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू व्हाट? आप कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस निकालना है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 10 का पावर माइनस पीएच। हो गया। अगर पीएच 10 है इसका मीनिंग हुआ कि यहां पे कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस कितना हो गया जी? 10 टू द पावर माइनस 10। इस कंसेंट्रेशन पे आपको कैलकुलेट करना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो नर्ट्स इक्वेशन यूज करते हैं। फ्रॉम नर्ट्स इक्वेशन माइनस 0.059 बाई एन यहां पे कितना होगा जी? 2। इलेक्ट्रॉन का मोल यूनिफॉर्म 2 है। लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस का प्रेशर क्या होगा? 1 बार रहता है तो 1 हो गया। नीचे तुम्हारा हो जाएगा यह 1 बाई कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस का होल स्क्वायर। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। 0 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग 1 बाई एच प्लस की जगह पर रखोगे 10 टू द पावर माइनस 10 स्क्वायर करोगे 10 टू द पावर माइनस 20 हो जाएगा। ऊपर उलट के पॉजिटिव हो जाएगा 10 टू द पावर 20। तो क्या करेंगे जी?
electrode potential of hydrogen electrode is equal to minus 0.059 by 2 log 20. तो 20 पीछे आ जाएगा, log 10 हो जाएगा, log 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और ये आपका हो जाएगा माइनस 0.059 बाय 2 इंटू 20, कट के 10 हो गया, मीन्स आ गया माइनस 0.59 वोल्ट। ये आपके हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। तो इस तरीका से किसी भी कंसेंट्रेशन पे आप किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो, और किसी भी कंसेंट्रेशन पे आप गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल, डैनियल सेल, इस सब सेल का ई सेल कैलकुलेट कर सकते हो इफ इनोड सेल इज गिवन। तो जिस तरह से हम लोगों ने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाला, उसी तरीका से एक दो क्वेश्चन और मैं करने जा रहा हूं, और फिर उसके बाद डैनियल सेल का हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ई सेल अपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड, मीन्स ई सेल कैलकुलेट करेंगे इनोड सेल के हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इन दिस, कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल एट पीओएच इक्वल टू 14 फॉर द एवर कपल। पीओएच का वैल्यू 14 दिया हुआ है, इसमें हमें निकालना है कि क्या होगा इस कपल का रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखो जी, इसमें यहां पे केएसपी गिवन है, इसका इसके केएसपी के हेल्प से हम लोग केएसपी हमें करना क्या है, पीओएच दे दिया, बोलता है कि उस पीओएच पे आपको निकालना है इस कपल का रिडक्शन पोटेंशियल, और साथ में केएसपी दिया हुआ है क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का। तो हमें किसी भी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए क्या चाहिए, उस इलेक्ट्रोड का कंसेंट्रेशन। तो पीएच पीओएच से हमें कंसेंट्रेशन पता नहीं चलेगा, कंसेंट्रेशन कॉपर टू प्लस का निकालना है, तो इस केएसपी के हेल्प से निकलेगा। तो केएसपी मीन्स यहां पे सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट आ गया, जिसको आप देखो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व होकर के इसका कुछ पार्ट डिजोल्व हुआ कॉपर टू प्लस एंड ओएच माइनस प्रोड्यूस किया, इनके बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम रहता है आपको पता है, एंड एट इक्विलिब्रियम केएसपी इज इक्वल टू होता है कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर टू प्लस एक्वस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ओएच माइनस का होल स्क्वायर। हमें केएसपी गिवन है, कॉपर टू प्लस का कंसेंट्रेशन कैलकुलेट करना है, क्योंकि उसी का हम लोग यूज करेंगे। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है नॉर्मल, जो यहां पे हाफ सेल रिएक्शन आप लिखोगे, हाफ सेल रिएक्शन फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड, तो कॉपर टू प्लस एक्वस टू इलेक्ट्रॉन कॉपर, तो हमें इसी कॉपर टू प्लस का कंसेंट्रेशन चाहिए, तभी आप नर्स इक्वेशन से इसका निकाल सकते हो, मतलब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसके लिए हमें ओएच माइनस का कंसेंट्रेशन पता होना चाहिए, इस ओएच माइनस के कंसेंट्रेशन के लिए से हम लोग केएसपी निकाल सकते हैं, और फिर ओएच माइनस का कंसेंट्रेशन पुट करके कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर टू प्लस निकालेंगे, और कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर टू प्लस अगर निकल जाता है तो फिर हम लोग इस इक्वेशन में इसको यूज करके, नर्स इक्वेशन को यूज करके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे कॉपर इलेक्ट्रोड का। तो देखो ये कैसे, अब इसको निकालने के लिए हम लोग पीओएच देखेंगे, पीओएच क्या दिया हुआ है, तो पीओएच अगर 14 है, इसका मीनिंग हुआ कि इसको हम लोग जिस तरह से पीएच लिखते हैं उस तरह पीओएच लिखते हैं, निगेटिव लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ ओएच माइनस इज इक्वल टू 14, मीन्स कंसेंट्रेशन ऑफ ओएच माइनस इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 14, 10 माइनस 14 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि OH माइनस का जो कंसेंट्रेशन है मीन्स ये बहुत बहुत कम है, और केएसपी यहां पे देखो केएसपी 10 टू द पावर माइनस 19 है, और यहां पे पीओएच के पीओएच OH माइनस कंसेंट्रेशन 10 टू माइनस 14 हो गया, बट OH माइनस का कंसेंट्रेशन है तो बहुत बहुत लेस हो गया। इसका मीनिंग हुआ इस क्वेश्चन का जो डेटा है इसमें पीओएच नहीं रहना चाहिए, पीओएच की जगह पर पीएच होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन करेक्ट हो सकता है। पीएच इक्वल 14, अब देखो जी पीएच जैसे ही आप 14 लोगे, यू नो दैट मींस वी नो दैट
pH plus pOH is equal to 14. तो pOH is equal to what? आपका pOH, आपका pOH 14 हो, pH 14 हो गया, तो pOH कितना हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा. pOH जीरो होने का मीनिंग क्या हुआ कि कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू हो गया जीरो. मीन्स कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू हो जाएगा 10^0. तो 10^0 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा. ये क्लियर है भाई कि अगर किसी का pH जीरो हो गया तो कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? ये 1 होगा. उसी तरह से किसी का अगर pOH माइनस, अगर pOH जीरो हो गया, इसका मीनिंग हुआ कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस 1 होगा. तो क्लियर हो गया. अब हम लोग OH माइनस कंसेंट्रेशन मिल गया 1 हो गया, इसमें पुट करेंगे KSP इज इक्वल टू मीन्स कंसेंट्रेशन KSP का वैल्यू 10^-19 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस एक्वस इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो गया. मीन्स कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस इज इक्वल टू 10^-19 हो गया. अब इसको हम लोग यूज करके आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो फ्रॉम नॉट्स इक्वेशन स्टैंडर्ड कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? 0.34 वोल्ट माइनस 0.059 बाई 2 लॉग. ये तुम्हारा सॉलिड है तो इसका 1 हो जाएगा. 1 बाई कॉपर 2 प्लस कॉपर 2 प्लस का कंसेंट्रेशन कितना है? 10^-19. ये ऊपर जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा. 0.34 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग 10^19. 10^19 पीछे आ जाएगा और फिर इसे सॉल्व करोगे 0.34 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू 19. अब सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा. देखो जी, कई बार एग्जाम से क्वेश्चन आता है, बोलता है कि किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना से इतना चेंज कर दिया गया तो उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर कितना चेंज होगा. तो ये सब क्वेश्चन में ऑक्सीडाइजिंग पावर कितना चेंज होगा, पावर कितना चेंज होगा, इस समय स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम होता है. अब मैथमेटिकली तो कैलकुलेट कर सकते हैं बट दे फील डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाउ चेंज एंड हाउ दे मेजर चेंज. इस सब में प्रॉब्लम होता है बट डोंट वरी, ये कोई ऐसी बात नहीं है. ये सब एक तरह से जो कैलकुलेशन करते हो उसी का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है. मीन्स अगर किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बोला जा रहा है यहां से यहां चेंज हो गया तो आप करो क्या कि जिस पे पहले वाले जो पोटेंशियल, जो पहले वाला जो कंसेंट्रेशन है उस पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो और फिर जो न्यू कंसेंट्रेशन है उस पे निकालो, दोनों को जो डिफरेंस होगा उतना से उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा? चेंज होगा. अगर डिफरेंस पॉजिटिव आया तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इनहेंस होगा, अगर डिफरेंस निगेटिव आया मीन्स ऑक्सीडाइजिंग पावर विल बी रिड्यूस्ड. राइट, एज फॉर एग्जाम्पल By how much is the oxidizing power of the MnO4 minus Mn2+ couple decreased if the H+ concentration is decreased from 1 molarity to 10^-4 molarity at 25 degree C? Assume other species have no change in concentration. Right? So, देखो जी, अब MnO4- ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो किस तरह से वो बिहेव करेगा इलेक्ट्रोड. जैसे यहां पे देखो MnO4- H+ से रिएक्शन करके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Mn2+ वाटर में कन्वर्ट होता है. यह इलेक्ट्रोड रिएक्शन है MnO4- Mn2+ इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड रिएक्शन है. अब इस इलेक्ट्रोड में रिएक्शन में हम लोग करेंगे क्या, एक बार 1 कंसेंट्रेशन पे निकालेंगे और एक बार मतलब जब H+ का, क्योंकि H+ का कंसेंट्रेशन जब 1 मोलारिटी होगा उसमें कैलकुलेट करेंगे और जब 10^-4 मोलारिटी होगा उसमें कैलकुलेट करेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, जो आएगा वो आंसर होगा. अगर डिफरेंस पॉजिटिव आया मीन्स ऑक्सीडाइजिंग पावर विल इंक्रीज, इफ डिफरेंस इज निगेटिव देन ऑक्सीडाइजिंग पावर विल बी डिक्रीज. तो देखो यहां पे होगा कि अब चूंकि सबका बोल रहा है कि और सबका किसी का कंसेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है और हाइड्रोजन वाला है 1 मोलारिटी है, मीन्स पहला वाला हो गया स्टैंडर्ड कंडीशन में और 10^-4 मोलारिटी पे जो निकालोगे वो आपका हुआ नॉन स्टैंडर्ड. तो आपको डिफरेंस निकालना है कि स्टैंडर्ड से नॉन स्टैंडर्ड के बीच में डिफरेंस कितना है.
मीन्स 10 टू द पावर ऑफ 4 मोलारिटी कंसेंट्रेशन जब H प्लस का हुआ तो हमारे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, तो डिफरेंस कर दो E माइनस E नॉट, E हुआ 10 टू द पावर ऑफ 4 पे और E नॉट हुआ आपका 1 पे। अब इस इक्वेशन लिखो यहाँ पे माइनस माइनस 0.059 बाई 2, यही E नॉट यहाँ पे आ जाता, एक्चुअल फॉर्मूला यह होता है बट मुझे पता करना है डिफरेंस, इसको E नॉट को इधर कर दिया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट में M2 प्लस है, वाटर भी है, तो वाटर का प्योर लिक्विड है कंसेंट्रेशन 1 मानते हैं, MnO4 माइनस इंटू H प्लस का पावर 10। अब इन दोनों का कंसेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, मीन्स 1 ही है, स्टैंडर्ड ही है, 1 है, तो हट गए दोनों, खत्म हो गया। अब हाइड्रोजन है क्या हो गया है 10^-4, तो 10^-4 का पावर 8 होगा क्योंकि इसका कोफिशियंट 8 है, तो फिर 10^-32 हो जाएगा। अब ऊपर जाएगा तो 10^-32 हो जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -0.38 वोल्ट, ये निगेटिव आया। इसका मीनिंग हुआ कि MnO4 माइनस Mn2 प्लस कपल जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड कपल का ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होगा, कितना से 0.34 वोल्ट से डिक्रीज होगा व्हेन वी चेंज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एच प्लस फ्रॉम 1 मोलारिटी टू 10^-4 मोलारिटी। तो इसी तरीका से कहीं भी अगर पूछेगा आपसे कोई, आगे मैं सेल का क्वेश्चन ले रहा हूं, अगला क्वेश्चन मैं डैनियल सेल से लूंगा जिसमें सेल के एमएफ फ्लो निकालेंगे, तो वहां भी पूछेगा कि सेल का कितना कैपेसिटी बढ़ा, कितना घटा, सेल का पावर कितना इंक्रीज हुआ। मींस आपको बताना है, पता है क्या, इस सेल के जो ईएमएफ है उसका डिफरेंस बताना है, पहले वाला और चेंज करने के बाद जो ईएमएफ आया, दोनों जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस ही डिसाइड करेगा कि सेल का पावर बढ़ेगा कि घटेगा। दिस इज द क्वेश्चन ऑन डैनियल सेल, यू कैन अंडरस्टैंड, दिस इज डैनियल सेल, लेफ्ट इलेक्ट्रोड इज जिंक, राइट इलेक्ट्रोड इज कॉपर। हियर E नॉट सेल इज गिवन 1.1 वोल्ट, वी हैव टू कैलकुलेट ई सेल। कैसे कैलकुलेट करेंगे जी, तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ ई सेल वी यूज नॉट्स इक्वेशन, बट फॉर नो यूजिंग नॉट्स इक्वेशन यू मस्ट नो विच आर प्रोडक्ट्स एंड विच आर रिएक्टेंट्स ऑफ आवर सेल रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट सेल रिएक्शन, सबसे पहले हम लोग सेल रिएक्शन को लिखेंगे और फिर उससे नॉट्स इक्वेशन के हेल्प से ई सेल को कैलकुलेट करेंगे। तो सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन लिखने का तरीका होता है, अगर सेल रिप्रेजेंटेशन सेल रिएक्शन राइट करो तो कैसे लिखोगे, तो क्लियर है जो लेफ्ट में है उसका ऑक्सीडेशन होता है, जो राइट में है उसका रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन मीन्स कॉपर 2 प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा, जिंक इलेक्ट्रॉन देगा, तो कॉपर 2 प्लस विल बी प्रेजेंट इन राइट साइड, लेफ्ट साइड एंड जिंक 2 प्लस विल प्रेजेंट इन राइट साइड। मीन्स रिप्रेजेंटेशन में जो राइट है इक्वेशन में वो लेफ्ट होगा, और रिप्रेजेंटेशन में जो लेफ्ट है इक्वेशन में राइट होगा, राइट लिख दिया। अब फ्रॉम नॉट्स इक्वेशन E cell is equal to E naught cell minus 0.059 by N log concentration of product by means here product will be generated to plus because other product is solid and we take concentration of pure solid as 1 and reactant is copper 2 plus aqueous, कॉपर 2 प्लस एक्वस। अब पुट करो सारे डेटा को, ई सेल इज इक्वल टू व्हाट, ई नॉट सेल इज 1.1 वोल्ट माइनस 0.059 बाय एन इज 2 लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ जेन 2 प्लस इज 0.1 मोलारिटी एंड कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस 0.01 मोलारिटी, दिस विल बिकम 10 क्योंकि यहां पे 10^-2 है, ऊपर जाएगा तो प्लस 2 होगा तो लॉग 10 हो जाएगा। लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है जी, 1, तो 1.1 माइनस 0.059 बाय 2 लॉग 10, लॉग 10 का वैल्यू 1 हो गया, मींस ये आ गया 1.1 माइनस 0.0592। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, जो आएगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस पैटर्न, रिडक्शन पोटेंशियल गिवेन है Cr3/Cr, दिस Fe2+Fe0- 0.42 वोल्ट गिवन है। द पोटेंशियल फॉर द सेल
ये सेल यहां पे दिया हुआ है, सेल का रिप्रेजेंटेशन सीआर सीआर थ्री प्लस एफ टू प्लस एफ। इस सेल का पोटेंशियल निकालना है, मीन ईएमएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे जी? किसी भी सेल के ईएमएफ निकालने के लिए नट्स इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। अगर स्टैंडर्ड ईएमएफ गिवन हो तो स्टैंडर्ड गिवन है, क्योंकि दोनों का राइट एंड लेफ्ट इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है। तो इनोड से पहले कैलकुलेट करेंगे, इनोड सेल इज इक्वल टू वाट। अभी यहां पर राइट इलेक्ट्रोड कौन है? आयरन है। लेफ्ट कौन है? क्रोमियम है। तो इनोड राइट माइनस इनोड लेफ्ट, आयरन का कितना है? -0.42 वोल्ट। क्रोमियम का कितना है? -0.72 वोल्ट। माइनस माइनस प्लस मीन्स -0.42 प्लस 0.72 वोल्ट। 42 अगर माइनस करते हो, मतलब 72 में से 42 माइनस 30 बचेगा, तो 0.30 वोल्ट बच के आ गया इनोड सेल। अब हम लोग नट्स इक्वेशन यूज करेंगे। फ्रॉम नट्स इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू इनोड सेल -0.059 बाई एन लॉग प्रोडक्ट बाई। तो यहां पे हमें सेल रिएक्शन चाहिए, तो मैं सेल रिएक्शन आपको सिखाया हूं कैसे लिखते हैं। जो लेफ्ट में है और राइट में, जो राइट में है वो लेफ्ट में हो जाएगा, क्योंकि Fe2+ का रिडक्शन हो रहा है इसलिए लेफ्ट में होगा Fe2+ एक्वस प्लस Cr, फिर क्रोमियम 3+ प्लस आपका यहां पे हो जाएगा Fe। अब इलेक्ट्रॉन की इस रिएक्शन को, इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। इसको थोड़ा पीछे लिखते हैं, Fe2+ एक्वस प्लस Cr, Cr3 प्लस एक्वस Fe। देखो जी, यहां पे आयरन का नंबर 3 लेंगे, क्रोमियम का नंबर 2 लेंगे, यहां पे 2 और यहां पे आपका हो जाएगा 3। अब चार्ज बैलेंस हो गया। देख लो, 1 आयरन के पास 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो 3 आयरन तुम्हारा कितना हो जाएगा? प्लस 6 पॉजिटिव चार्ज। तुम्हें प्लस 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए आयरन को, तो क्रोमियम को 6 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। तो 1 क्रोमियम 3 लूज करेगा, तो 2 क्रोमियम 6 लूज करेगा। तो इस तरह से तुम्हारा क्या बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इन्वॉल्व कितना हो रहा है जी? तो 6 हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट यहां पे हो रहा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 हो रहा है, तो ये आपका होगा ई सेल इज इक्वल टू इनोड सेल 0.3 वोल्ट पुट करो, -0.059 बाई एस एन लॉग। प्रोडक्ट कौन है? क्रोमियम सी आर 3 प्लस का होल स्क्वायर बाई एफ 2 प्लस का होल क्यूब। अब इसको हम लोग जो वैल्यू जो है पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ई सेल इज इक्वल टू माइनस सॉरी 0.3 वोल्ट माइनस 0.0059 बाई 6 लॉग। क्रोमियम का है 0.1 का होल स्क्वायर बाई Fe का है 0.01 का होल क्यूब। इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन 0.3 वोल्ट माइनस 0.059 बाई 6 लॉग, यह 0.1 का मीन्स 10^-1 का होल स्क्वायर मीन्स 10^-2 पर रहेगा, और नीचे हो जाएगा 10^-2 का होल क्यूब मीन्स 10^-6। माइनस 6 ऊपर जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, तो 10^+4 ऊपर बचेगा, यह 4 log 10 हो जाएगा, मीन्स log 10 का वैल्यू 1। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.26 वोल्ट, मीन्स ऑप्शन तुम्हारा क्या होगा? डी करेक्ट हो गया। तो इस तरीका से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्राफ बिटवीन ई सेल एंड आर लॉग कंसेंट्रेशन यूरेन 2 प्लस बाई कॉपर 2 प्लस वाज लीनियर विथ इंटरसेप्ट ऑन ई सेल एक्सिस इज 1.1 वोल्ट, कैलकुलेट ई सेल फॉर दिस सेल। देखो ये तो क्लियर है कि अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, वी नो दैट नट्स इक्वेशन से किसी भी सेल का राइट करो, ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है? E0 सेल माइनस 0 पॉइंट, अगर उसमें उस टर्म में रखो
आर टी बाई एन एफ लॉग अगर ले लेते हो आप 2.303 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। तो इस तरह का ग्राफ अगर किसी का भी ड्रॉ करोगे किसी भी सेल के लिए, जनरल ई सेल एंड लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, यही तो चेंज होता है। अगर इसके भी जो ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि इसका भी पावर वन है, इसका भी पावर वन है। इंटरसेप्ट कैसा होगा देख लो, ई सेल एक्सिस पे इंटर, अगर आपको कटिंग पता करना है तो इसको जीरो करना होगा, इसको जीरो करो तो पूरा जीरो हो जाएगा। मीन्स कटिंग कहाँ होगा जी, इनोड सेल पे, जहां भी कटिंग हुआ आपका इनोड सेल है, मीन्स यहां से यहां तक डिस्टेंस इनोड सेल हो गया। अब आपको अगर कटिंग पता करना है लॉग पी बाई आर मीन्स प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट के एक्सिस का, तो आपको इसको जीरो करना पड़ेगा। इसको जीरो करोगे तो क्या होगा, ये पार्ट इधर आ जाएगा, मीन्स कुछ ना कुछ वैल्यू पॉजिटिव होगा। मीन्स ग्राफ क्या होगा जी, ग्राफ आपका इस साइड ही कट करेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू इसका पॉजिटिव ग्राफ इस साइड कट करेगा। और आप इस तरह के इससे मिला सकते हो, ये ग्राफ होगा। तो यहां पे आपको मिल गया इनोड सेल का वैल्यू, मिल गया इनोड सेल का वैल्यू जो कंस है वो आप ऑलरेडी इनोड सेल का दिया हुआ है, कितना इंटरसेप्ट है जो 1.1 हियर इनोड सेल इज इक्वल टू हो गया 1.1 वोल्ट, इंटरसेप्ट दिया हुआ है 1.1 वोल्ट है, तो जनरल हो गया। अब आप इसको कंपेयर भी करना चाहते हो वाई इक्वल प्लस सी से, मीन्स वाई इक्वल प्लस सी से कंपेयर भी कर, तो कंपेयर भी कर सकते हो आप। इसको इक्वेशन वन, इसको टू रखो, कंपेयर भी कर सकते हो किसी के लिए भी। ये जनरल मैं बता रहा हूं आपको, इस क्वेश्चन में तो बताऊंगा ही। वाई की जगह पे इसको हो गया सी, हो गया इनोड सेल। एक्स क्या है यहां पे जी, जो वेरिएबल क्या है, यह है लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो उसको छोड़कर जितना भी है सबका सब क्या है, स्लोप हो गया। स्लोप यहां पे क्या है, निगेटिव है। तो इस तरह से ग्राफ है, जैसे जैसे आप इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे ई सेल का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जनरल कॉन्सेप्ट है, किसी भी सेल के ई सेल और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट में अगर ग्राफ है तो उस ग्राफ में ई सेल एक्सिस का जो कटिंग होगा वो इनोड सेल को रिप्रेजेंट करेगा और ग्राफ का स्लोप भी निगेटिव होगा। आप देख भी रहे हो, यहां पे कंपेयर करके देख लोगे तो स्लोप निगेटिव होगा, ऐसे भी दिख रहा है। यहां पे ग्राफ नीचे जा रहा है, मीन्स जैसे जैसे लॉग प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज होगा वैसे वैसे सेल का ईएमएफ क्या होगा, ड्रॉप होगा, डिक्रीज होगा। मीन जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सेल का पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो बढ़ता जाएगा, मीन्स वोल्टेज उसका कम होता जाएगा। खैर इनोड सेल निकल गया, जब इनोड सेल निकल गया तो हम इस सेल का ईएमएफ आराम से निकाल सकते हैं। फ्रॉम नॉट्स इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू इनोड सेल 1.1 माइनस 0.059 बाई एन, एन यहां पे क्या होगा जो 2 होगा, क्लियरली दिख रहा है डैनियल सेल वाला ही है। प्रोडक्ट बाय रेट भी मैं डायरेक्ट सिखा दिया हूं, अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इस सब लिखने की जरूरत नहीं है। मीन्स राइट साइड में है वो लेफ्ट में होगा, जो लेफ्ट में है वो राइट में रहता है, तो राइट और जो राइट वाला रहता है वो टॉप पे रहता है। मीन्स का मीनिंग यह हुआ कि जो लेफ्ट वाला है वो क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, और जो राइट वाला वो नीचे रहेगा। तो जेडन टू प्लस ऊपर, कॉपर टू प्लस नीचे। अब इसको पुट करो 1.1 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग जेडन टू प्लस का 0.1 बाई कॉपर टू प्लस का 0.01, मींस क्या लॉग 10 हो जाएगा, लॉग 10 का वैल्यू क्या होगा 1, मींस 1 माइनस 1 59 बाई 2 जो सॉल्व करोगे वो आंसर होगा। इस तरीका से आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो किस कोई भी सेल पे अगर क्वेश्चन है वो इनोड सेल देकर के इस सेल पूछ रहा है तो आप आराम से सेल रिएक्शन लिखो, नॉट सिक्वेंस यूज करो और इस सेल कैलकुलेट करो।